डॉक्टर अर्चना। आई एम गोयल फ्रॉम जयपुर। आई एम मेडिकल डायरेक्टर स्किनफिनिटी लेजर एंड स्किन क्लिनिक। आज अपन बात करेंगे सोरेसिस के बारे में। सोरेसिस क्या होता है, सोरेसिस का क्या इलाज है और क्या सोरेसिस जड़ से जा सकता है, इन सब के बारे में आज अपन बात करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, सोरेसिस एक लंबी चलने वाली चर्म रोग है जिसमें पेशेंट्स को लाल चकते, वेल डिफाइंड लाल चकते बनते हैं और वो सिल्वरी स्केल से ढके हुए होते हैं। सोरियासिस जनरली जो कॉमन टाइप का सोरियासिस होता है वो जनरली सिर से शुरू होता है। पेशेंट को लगता है कि मुझे डैंड्रफ हो गया है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो वो डॉक्टर को दिखाने जाता है तो लगता है कि तो डॉक्टर को पता चलता है कि ये सोरियासिस है। तो सिर से शुरू होने के बाद कुछ दिनों में उसके जो लाल चकते हैं वो जॉइंट्स में जो परमानेंट जॉइंट्स होते हैं जैसे नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट और पीठ के नीचे पिछले भाग पे वो शुरू हो जाते हैं। इसमें जो लाल चकते होते हैं उसमें सिल्वरी स्केलिंग होती है, सिल्वरी व्हाइट कलर की स्केलिंग भी होती है। जैसे ही पेशेंट कुछ खुजली करता है तो वो जो सिल्वरी भूसी जैसी स्केलिंग होती है वो नीचे निकलती है और उसके बाद हल्के माइल्ड ब्लीडिंग पॉइंट्स भी दिखते हैं, पेशेंट दिख सकते हैं पेशेंट को। तो सोरायसिस कई तरह का होता है, जैसे मोस्ट कॉमन टाइप इज सोरायसिस वल्गेरिस, सेकेंड टाइप इज पामो प्लांटर सोरायसिस। पामो प्लांटर में पेशेंट्स को लीजन खाली पाम्स एंड सोल्स पे ही आते हैं, हथेली और तलवे पे होते हैं जो कि जो वो भी वेल डिफाइंड होते हैं और व्हाइट कलर की स्केलिंग से ढके हुए होते हैं। तो डॉक्टर को जो चर्म रोग विशेषज्ञ होता है वो आसानी से उसको डायग्नोज कर सकता है। थर्ड टाइप होता है गटेड सोरायसिस। गटेड सोरायसिस जनरली बच्चों में होता है और इसमें छोटे छोटे पैचेज होते हैं बॉडी पे, वो भी सिल्वरी कलर स्केलिंग से ढके हुए होते हैं। एंड नेक्स्ट इज सोरियाटिक आर्थराइटिस। 100 में से 2% पेशेंट्स को सोरियाटिक आर्थराइटिस भी डेवलप हो जाती है। इसमें छोटे स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे उंगलियों के जॉइंट्स और रिस्ट जॉइंट। नेक्स्ट होता है सोरियाटिक इरिथ्रोडर्मा। सोरियाटिक इरिथ्रोडर्मा में पूरी बॉडी कवर हो जाती है और उसमें लाल पूरी बॉडी में लालीपन आ जाता है और स्केलिंग भी हो जाती है। इसमें पेशेंट को बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि पानी की कमी हो जाती है और उसमें हम प्रोटीन डाइट भी देते हैं। और इस स्टेज तक पेशेंट नहीं आए उसके लिए यदि वो पहले से ही इलाज ले लेगा तो सोरियाटिक इरिथ्रोडर्मा बनने में नहीं बनने के चांसेस कम होंगे। तो ये मैं सोरियासिस अब होता क्या है, इसमें क्यों होता है सोरियासिस, सभी पेशेंट का सबसे पहला यही जवाब होता है कि मैडम ये जड़ से जाएगा या नहीं जाएगा, ये क्या क्या बीमारी है। तो मैं बताना चाहूंगी कि ये देखो जेनेटिक बीमारी होती है, जीन्स के कुछ गड़बड़ होने से बीमारी हो जाती है और ये पहले ही पता होता है कि भी इस पेशेंट को इतना बड़ा होएगा, इतना उम्र का होएगा तो सोरायसिस होने वाला है। तो इसलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है, यदि शुरू से ही इसका इलाज ले लिया जाए तो पेशेंट ठीक रहता है। और पेशेंट को मैं ये कहना चाहूंगी, सोरायसिस के पेशेंट को मैं ये कहना चाहूंगी कि जल्द से जल्द जैसे ही आपको ये पैचेस दिखे आप डॉक्टर से सही डॉक्टर से यानी चर्म रोग विशेषज्ञ से इलाज लें। तो और इसमें खास बात ये होती है इस बीमारी की कि ये 4 महीने ही रहती है साल में, सर्दियों के मौसम में ज्यादा बढ़ती है और 8 महीने ही कम रहती है। तो जो 4 महीने जब आपकी बीमारी ज्यादा होती है तभी आप इलाज ले लोगे तो आप ठीक रहेंगे और 8 महीने इलाज लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जड़ से जाती है या नहीं जाती है बीमारी, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जड़ से तो नहीं जाती है, पूरा जड़ से जाना इसकी गारंटी नहीं होती है। लेकिन हाँ, पेशेंट यदि इलाज सही लेता है तो कंफर्टेबल रहता है और उसके साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। और इसमें रिकरेंस इज वेरी कॉमन। रिकरेंस मतलब कि 2 साल से पेशेंट ठीक रहा और 3रे साल फिर वापस बीमारी आ गई, ऐसे होता रहता है इसमें। जैसे किसी किसी पेशेंट को हर साल सर्दी में ज्यादा बढ़ जाती है, किसी को 2 साल तक नहीं होती है, इलाज लेने के बाद 3-4 साल तक बीमारी नहीं होती है लेकिन फिर बीमारी आ सकती है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि इसका इलाज नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि हाँ जड़ से नहीं जा सकती, हो सकता है कि आप हमेशा ठीक रहो लेकिन कभी भी वापस ज्यादा हो सकती है। और एक इसमें एक खास बात यह है कि ये छूत की बीमारी नहीं है, ये एक से दूसरे को नहीं फैलती है, तो इसलिए वो भी चिंता की बात नहीं है। अब इसका इलाज क्या है इस बीमारी में, सोरायसिस की बीमारी में, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जड़ से जाती नहीं है बीमारी, तो पेशेंट को सबसे पहले काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। उसको समझाना पड़ेगा कि ये बीमारी क्या होती है, कब तक ठीक होती है, ये छूत की बीमारी नहीं है, ये आपके परिवार में नहीं फैलेगी या आपको शरीर के अंदर नहीं फैलेगी और ये बाहर ही रहेगी, जितनी आपकी उम्र भगवान ने लिखी है इस बीमारी से आपकी उम्र कम नहीं होगी, ये सबसे समझाना बहुत बहुत जरूरी है। तो खाने पीने के बारे में भी पेशेंट को बताना चाहिए कि उसको अल्कोहल नहीं लेना चाहिए और रेड मीट वगैरह से भी थोड़ा बढ़ जाती है तो वो भी अवॉइड करना चाहिए।
इसका सिंपल इलाज, यदि बीमारी बहुत ही माइल्ड है, दो चार पैचेस ही है, तो सिर्फ मॉइस्चराइजिंग क्रीम से ही ये बीमारी ठीक हो सकती है, और कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस सोरियाटिक पेशेंट्स की जो स्किन होती है वो थोड़ी ड्राई होती है, तो ऑल ओवर पूरे साल भर ही उनको मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगानी चाहिए। मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी जिसमें यूरिया और सैलिसिलिक एसिड होते हैं वो ज्यादा अप्लाई करना चाहिए। यदि पेशेंट्स को बहुत ज्यादा इचिंग है और वो अनकंफर्टेबल रहता है, तो उसमें हम थोड़ा सा स्टीरोइड या विटामिन D3 की क्रीम्स मिला के दे देते हैं। यदि पेशेंट और ज्यादा अनकंफर्टेबल है और बीमारी थोड़ी ज्यादा सीवियर है, तो हमें सिस्टमिक ड्रग की तरफ जाना पड़ता है, मतलब खाने की दवाइयाँ देनी पड़ती है। मेथोट्रेक्सेट एक ऐसी दवाई है जो कि इसकी रामबाण दवाई मानी जाती है, लेकिन मेथोट्रेक्सेट को कभी भी पेशेंट को अपने आप से नहीं लेनी चाहिए, सिर्फ चर्म रोग विशेषज्ञ की सलाह से ही लेना चाहिए। इसमें मेथोट्रेक्सेट से लेने से पहले कुछ हम टेस्ट भी कराते हैं कि खून की जांच वगैरह होती है, जिससे कि ये पता चलता है कि उसका लीवर, किडनी, ब्लड सब एकदम नॉर्मल है। उसके बाद ही हम मेथोट्रेक्सेट शुरू करते हैं। तो मेथोट्रेक्सेट भी ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको साल भर लेना पड़ेगा। वही मैंने बताया कि 4 महीने जब ज्यादा बीमारी होती है तब मेथोट्रेक्सेट ले ले, वो ठीक हो जाएगा, उसके बाद उसको हम टेपर करके बंद कर देते हैं। इसी प्रकार यदि और कई सिस्टमिक दवाइयाँ होती है, जैसे साइक्लोस्पोरिन, एप्रिमेलास्ट, और आजकल तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं, तो वो कम से कम यूज करना चाहिए। जेक इनहिबिटर्स भी आ गए हैं, मेरी राय में तो उसे कम से कम इन यूज करना चाहिए, क्योंकि जड़ से तो जाता नहीं है, ये बीमारी जाती नहीं है। तो जितनी माइल्ड डिजीज जितनी माइल्ड ट्रीटमेंट लेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा।